निकाय चुनाव को लेकर कुचामन नगर पालिका के 45 वार्डों की मतगणना कल सुबह प्रातः 9 बजे राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में शुरू होगी। बता दें कुचामन के राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में सभी मतपेटियों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर रखा गया है। उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने बताया कि सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसको लेकर कुचामन के राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 9 काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो 5 राउंड में पूरी मतगणना यहाँ पर संपन्न होगी। मतगणना को लेकर सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। कुचामन शहर के राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में कल यहाँ पर कुचामन के 45 वार्डों के चुनाव परिणाम का फैसला आएगा। जो नगर पालिका कुचामन सिटी के 45 वार्ड हैं उनकी मतगणना जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने के लिए जा रहे हैं, जो प्रातः 9 बजे से स्टार्ट होगी। उसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। जो काउंटिंग एजेंट वगैरह हैं उनके बैज इशू कर दिए गए हैं। जो हमारा स्टाफ है उसके भी परिचय पत्र वगैरह इशू कर दिए गए हैं। ये मतगणना कुल 45 वार्ड है तो 9 टेबलों की व्यवस्था की है। एक साथ 9 वार्डों की मतगणना एक साथ रहेगी। बड़ा हॉल है और 5 राउंड बनाए गए हैं, तो 9×45 करके 5 राउंड में ये पूरी होगी। और एक वार्ड की मतगणना एक ही टेबल पे होगी। जैसे किसी वार्ड में एक से ज़्यादा पोलिंग बूथ है तो वो एक ही टेबल पे उसकी काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग के पश्चात जो SDMM है उसको अलग करके उसकी सीलिंग करके और उसी दिन 31 तारीख को ही जो मतदान मशीनें हैं वो जिला कार्यालय में, पोस्ट कार्यालय में जमा कराई जाएगी।